स्लग, नाबालिग से शादी करने वालों की खैर नहीं, सीधे जाना होगा जेल। रिपोर्ट बलराम कुमार, सुपौल बिहार। एनका मामला सुपौल जिला सदर अनुमंडलोय मुख्यालय अंतर्गत पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा वार्ड नम 007 में हो रही नाबालिग से शादी की है। सरकार द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कानून का नहीं किया जा रहा है पालन। बाल विवाह को लेकर सरकारी निर्देश के बावजूद ग्रामीण इलाकों में नाबालिग लड़कियों की शादी की बातें आए दिन सामने आती रहती है। इसी कड़ी में देर रात प्रशासन की सतर्कता से एक नाबालिग लड़की की शादी को रुकवाया गया। दरअसल पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा दक्षिण वार्ड नंबर 07 में देर रात गुपचुप तरीके से एक नाबालिग लड़की की हो रही शादी की तैयारी की सूचना किसी ने पिपरा BDO लवली कुमारी एवं सदर SDM मनीष कुमार को दी। सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए स्थल पर पहुंचकर शादी को रुकवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही SDM मनीष कुमार पिपरा BDO लवली कुमारी पिपरा थाने की पुलिस दल बल के साथ स्थल पर पहुंच गए, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान SDM मनीष कुमार ने शादी के लिए दिल्ली से आए दूल्हे का आधार कार्ड चेक किया। वहीं जब दुल्हन का आधार कार्ड जांच किया गया तो दुल्हन की उम्र करीब 15 वर्ष निकली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की की हो रही शादी को रोक दिया गया। आधार कार्ड में लड़की का उम्र -15 वर्ष ही पाया गया, जबकि लड़का द्वारा खुद का उम्र -22 वर्ष बताया गया। जानकारी दी गई कि लड़का दिल्ली का रहने वाला है। आसपास में किसी भी लोगों को इस शादी की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं SDM ने बताया कि दूल्हा सहित तथाकथित भाई एवं लड़की के पिता को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना लाजमी होगा कि सरकार द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कानून का कितना हद तक रोक लग पाता है, या फिर ऐसे ही नाबालिग लड़की की बलि चढ़ती रहेगी। बाइट मनीष कुमार।